हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपनी चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आपसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अभी का जो वीडियो है, ये आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, उनकी ट्रू फीलिंग्स मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ देखना चाहूंगी रून से भी, उससे पहले मैं कार्ड निकालना चाहूंगी। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है और जितना रिजल्ट कर उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और हो सके तो कुछ लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए जो आपको निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं इस वक्त। जहां आप हो सकता है इस वक्त थोड़ा गुस्सा सैड ऐसी एनर्जी है तो आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो, या फिर कोई आपके तरफ सेंड एनर्जी, जो बैड एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी, वो आपके तरफ सेंड कर रहा है। तो कभी कभी आपको हैवी एनर्जी महसूस होती होगी लेकिन फिर भी आप बैलेंस कर रहे हो। तो यहां मैं देखना चाहती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन और आपको लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स गाइड करेंगे। पहले एक कार्ड देख लेती हूँ। बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस है आपके लिए, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। द चैरियट कॉल मैसेज की संभावना है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, प्यार ऑफर करना चाहते हैं। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है निकल कर, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके लिए प्यार ही प्यार दिख रहा है डियर, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रोमांस और प्यार ऑफर करना चाहते हैं वो आपको। व्हाट ऑन डेक से देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है। तो मैं कार्ड से आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। पैशनेट बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट। द चैरियट की एनर्जी, कॉल मैसेज की संभावना है, एक्शन की संभावना है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं, आपने कार्ड देखा होगा डियर, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। बॉटम द डेक से एट ऑफ सोर्स की एनर्जी। चलिए देख लेती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ज्यादा निगेटिव ना सोचे, जो पॉजिटिव सोचेंगे वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर निगेटिव सोचोगे बाबू तो वही आप निगेटिविटी ही खुद को बनाओगे और रोगे गाओगे, छोड़िए उस सब बातों को। देखिए प्यार और रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। बैलेंस, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए बहुत खूबसूरत एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ये पर्सन लगातार आपकी तरफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कुछ लोग का तो हो चुका है डियर, ठीक है, कुछ लोग का कम्युनिकेशन हो चुका है। अब आपके लाइफ में रोमांस शुरू होने वाला है और बहुत बहुत प्यार फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, प्यार ऑफर करने वाले हैं आपके लिए। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनको हो रही है, काफी सोच रहे हैं, काफी सोचे, जैसे लग रहा है लगातार ये सोचे जा रहे हैं आपकी तरफ। कम्युनिकेशन के लिए प्यार बढ़ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आप उनकी सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो, चाहते बढ़ रही है। यहाँ आपके पर्सन को चाहत बहुत बढ़ रही है, प्लानिंग बहुत पॉजिटिव हो रहा है, डिसीजन जल्द लेने वाले हैं और ये सोच समझ कर भी डिसीजन लेंगे डियर। देखिए जल्द डिसीजन लेंगे लेकिन ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये बैलेंस चाहते हैं। देखिए थोड़ा दर्द इनके अंदर है, ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि आपको खो दूं, इनका इनको डर बहुत है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, नहीं तो इतनी खूबसूरत, इतने सुंदर, आप जैसा प्यार करने वाला उनको नहीं मिलेगा। ये सॉरी फील कर रहे हैं इस वक्त, देखिए लगातार सॉरी फील की एनर्जी आई है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, दिल से आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी एनर्जी हाँ डियर, ये काम पर भी फोकस है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में भी बैलेंस कर रहे हैं, माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं, ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं,
जो दर्द है, गुस्सा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी क्या है, उनको अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भी इनके आसपास कुछ लोग हैं, जो भी हो, जो आपके खिलाफ निगेटिविटी डाल रहे हैं, उसको ये रिलीज करना चाहते हैं, अपने लाइफ से कुछ लोगों को निकालना भी चाहते हैं, और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है डियर। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। उनको गलतियों का एहसास है, आपके आंसुओं की कीमत की उनको पहचान हो चुकी है, और ये देख रहे द चैरियट की एनर्जी बहुत ज्यादा आपके लिए प्यार, एक्शन, कॉल, मैसेज, मतलब आपके लिए कुछ करना है, और एस ऑफ वॉन्ट्स प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत इस वक्त की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, जो आपको लेकर है, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर से बहुत खुश हैं। वो इसलिए खुश नहीं है कि कभी कभी वो दुखी और परेशान भी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उन्होंने रुलाया है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना ही आपको ईगो बढ़ा सकते हैं। उन्हें अगर आपका ईगो बढ़ा दिए तारीफ कर तो ये खुद टूट जाएंगे। ठीक है, बैलेंस चाह रहे हैं ये पर्सन, बहुत रोमांस आपके साथ करना चाहते हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे, काफी सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए, खुद को और आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दिली दिल में कि आपको उन्होंने रुलाया है। ठीक है, चाहते बहुत बढ़ रही है, प्लानिंग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहां मुझे दिख रही है, सॉरी की एनर्जी मुझे यहां दिख रही है, और ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। डियर, बहुत लोग का कॉल मैसेज आ चुका है, बहुत लोग की रियूनियन हो चुकी है, अब ये रियूनियन होने वाला है बहुत लोग का, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है, इनको आपको लेकर रोमांस की एनर्जी जाग रही है, मतलब आपके साथ रोमांस करना है, ट्रेवल करना है, प्यार करना है, इस तरह की एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करना है कि मिलने के बाद आपके साथ कैसे आपको समझाना है, कितना प्यार करना है, आपको कितना मोटिवेट करना है। आप बहुत मिच्योर हो गए हो उनकी नजरों में, ठीक है, और ये मिच्योरिटी कहीं ना कहीं उनको हिलाकर रख दिया है डियर, और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे एनर्जी, मैंने कल या परसों की एनर्जी बोला, लगातार ये एनर्जी आ रही है कि वो कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, इधर एनर्जी में उतार चढ़ाव हो रही है। पास्ट में जो भी सिचुएशन था, इन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया है तो अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन किसी को छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑफर करना चाहते हैं, और आपको कॉल मैसेज आ चुका है या फिर बहुत लोगों को आने वाला है। ठीक है, आज खास ख्याल रखना चाहते हैं आपको। ठीक है, पुरानी यादों में खोएंगे, सोचेंगे, ठीक है, और इनके अंदर डर भी होगा कि कहीं आप उनके हाथ से निकल गए तो सारी दुनिया इनकी चौपट हो जाएगी। बात करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करना चाहेंगे, आपको पैम्पर करना चाहेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। सिक्स और नाइन नंबर आपके लिए खास हो सकता है डियर। ठीक है, वन नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, सिक्स नंबर, नाइन नंबर और टेन नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है डियर। ठीक है, तो ये पर्सन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि आपको स्पाई भी बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी लगातार बार बार ये कर रहे हैं, मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आज आपका मतलब खास ख्याल रखेंगे, आपको स्पाई करेंगे और ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे डियर। ठीक है, तो जो नंबर्स मैंने बताया वो नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिला, ये एहसास उन्हें हो रहा है, और ये पर्सन के दिल में तो आग भी जल रही है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। शायद ये कहना चाहते हैं कि शायद हम दोनों, शायद अगर आप लोग में नो कांटेक्ट है, आपको ये नहीं मना पा रहे हैं, तो इनको अब एहसास हो गया है कि आप अब बदलोगे नहीं जो पहले थे। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे इनकी बेकरारी और बेसब्री बढ़ रही है, आपको लेकर पैशनेट एनर्जी है, रोमांटिक, मतलब आपके साथ रोमांस करना है, तो एक तन्हाई सा इनको महसूस हो रहा है, और इस वजह से आपको इमेजिन करना, प्यार करना, ये इनको अंदर से बहुत ज्यादा फील हो रहा है इस वक्त। क्या किसी, ये कहना चाहते हैं, क्या किसी को सच्चा प्यार मिल में इतने दर्द और इतने पेन होते हैं? ये खुद से ये सवाल जवाब कर रहे हैं, सच्चे प्यार में इतनी जुदाई क्यों, इतना शक क्यों, इतना डिस्टेंस क्यों, मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे हो गई। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं डियर। देखिए ये बहुत प्यार करना चाहते हैं, इनके अंदर जो एक अकेलापन है, एक खालीपन है, आपको पाकर ये पूरा करना चाहते हैं।
इनको जैसे अरमान जाग रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, कुछ ये कुछ बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं डियर, ठीक है, ये कुछ बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, एक्शन की एनर्जी मुझे यहां दिख रहा है डियर, अरमान बहुत है आपके साथ आगे बढ़ने का, आपके साथ चलने का। तो इस पर्सन के अंदर जो है पास्ट में इन्होंने जो आपको साथ किया है उन बातों को याद कर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मेजर चेंजेस में देख पा रही हूं, या फिर बहुत बोल्ड एक्सेप्ट एक्शन लेने वाले हैं और कुछ गलतियों को एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। लेकिन आपने यहां पे कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में बहुत कुछ हैंडल किया है, उनको मदद किया है, उनको सपोर्ट किया है, ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं चुप खामोश होकर सारी बातों को इन्हों सोचा है, समझा है, इन्हें एंजाइटी भी हुई है, दर्द पेन भी हुआ है, रातों की नींद भी गई है, लेकिन डर जितना इनको सता रहा है कि आप उनसे दूर हो गए हो और इन्हें क्या करना चाहिए। तो अब ये फैमिली प्रेशर को देखते हुए कुछ ना कुछ, देखिए इनके फैमिली प्रेशर बहुत है, उनको भी देखते हुए सोच समझकर ये डिसीजन अब आपकी तरफ लेने वाले हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, फैमिली को बनाना चाहते हैं और कहीं से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहां एंड वहां उस चीज को इंड कर वो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, शादी चाहते हैं अब आपसे, पैशनेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वाव, मतलब आज तो मतलब इनकी तो एकदम सारे कुछ चेंज हो चुके हैं। अब उनके नजरों में आप काफी मैच्योर हो गए हो, ठीक है, उनके नजरों में काफी आप मैच्योर हो गए हो, अब वो ये जो आपके अंदर की मैच्योरिटी है इनको स्मार्ट बना रही है और आपकी जरूरत को उनको एहसास दिला रही है। कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज्ड नहीं है, लेकिन प्यार, ऑफर, आपके लिए पैशनेट होना, कॉल मैसेज करना, एक्शन लेना, ये एनर्जी यहां दिख रही है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो इस सब कुछ एक्शन को दिखा रहा है, पैशनेट एनर्जी को दिखा रहा है, कॉल मैसेज को दिखा रहा है, आपकी चाहत को दिखा रहा है, रिस्पेक्ट, प्यार, अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है, रोमांस, रोमांटिक, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो कन्फ्यूजन जो भी इनके अंदर है उसको ये दूर करना चाहते हैं, अपनी गलतियों पे भी काम करना चाहते हैं और ये आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। लेकिन यहां सोच भी रहे हैं डियर, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, काफी ये सोच रहे हैं और थोड़ा सा इनको अपने लाइफ में भी फ्रीडम चाहिए। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फैमिली प्रेशर में है या इनके लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जैसे लगता है इनके लाइफ से सारी खुशियां छीन चुकी है, जहां इन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, अपने लाइफ पे वो अहमियत नहीं दी, अब इनकी सारी सुख शांति दूर हो गई है और इनकी फ्रीडम छीन गई है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनको बहुत पैम्पर किया तो वहां भी इनको लगा इस तरह कि आपने उनकी फ्रीडम छीन ली है, लेकिन दरअसल अब ये इनके साथ हो रहा है कि इनके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल, इतनी परेशानियां हैं कि अब वहां से निकलना चाहते हैं, खुद को फ्रीडम पाना चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। आपने हो सकता है आपने भी कभी अपने आप को जिद्दी बनाया हो, स्टबन बनाया हो, हो सकता है आपने भी कभी अपने आप से उनके सामने ईगो दिखाया हो, ठीक है, अपनी बात आपने कभी मनवाने की कोशिश की हो, ठीक है, और वो नहीं माने, आपने गिरगिराया उस पर्सन को, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, आप उनके लिए इतने पैशनेट हो, आप उनके लिए सब कुछ समर्पण किया, उनको सारा कुछ दिया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर दिन, हर पल, हर सेकंड आपने उनको दिया, रात और दिन उनको दिया। अब ये पर्सन सारी बातों को याद कर हर, देखिए बहुत बड़ा दिन था कल, हर बातों को याद कर फेस्टिवल को मिस किया है, आपके साथ उन्होंने नहीं मनाया है, तो ये पर्सन देखिए इनके दिमाग में आप थे, भले ही उनका बॉडी शरीर वहां था लेकिन सोल आपसे कनेक्ट कर रहा था, वो दिखावा कुछ और कर रहे थे और ये अंदर से कुछ और थे। तो इनको भी फेस्टिवल भी बहुत मिस किया है, आपके 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 ना होने से आपको बहुत याद किया है और कहीं ना कहीं इमोशंस हाई मैं देख रही हूँ इस पर्सन को, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके लिए है, बहुत ज्यादा, इतना प्यार मैं देख पा रही हूं ना कि मतलब देखिए दो दिन की एनर्जी में मैंने क्या बोला था, आप देख रहे होंगे अभी लगातार दो दिन की वीडियो,
उसमें लगातार ये काफी सोच रहे थे, बैलेंस, प्यार, अट्रैक्शन, फिर कंट्रोल करना, लेकिन एक्शन चाह रहे थे, एक्शन चाह रहे थे, एक्शन चाह रहे थे। देखिए इसी प्रकार अब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेना है तो लेना है, ये एनर्जी है। देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको इसलिए स्पाइक कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कौन आया है, आप किससे बात करते हो, या कोई नए दोस्त, नए फ्रेंड, किसी के साथ में आपने सोशल मीडिया पे डाला है, स्टेटस में लगाया है, तो इनके अंदर से जेलसी भी फील हो रही है कि कोई आपको रिझाने की, कोई आपको प्यार ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, ये उनके दिमाग में भी चल रहा है, या फिर उनके दिमाग, उनके कान में कुछ पड़ा है डियर, ठीक है। तो डियर इनके कानों में कुछ पड़ा है, ठीक है, या इनको डाउट हो रहा है, अब ये इनको खोने का भी डर है, आपको ये खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब इनके दिमाग में डिसीजन, मैरिज, कमिटमेंट, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। शायद ये आपसे एक्सप्रेस ना करें, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पर्सन के अंदर है, ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, नहीं चाहते, मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और इनके अंदर एक डर भी है। सबसे बड़ी बात कि आपका दिमाग, आपका जो इमोशंस था वो बैलेंस हुआ है, आप बदले हो, आप बदले हो तो आखिर क्यों, ये सवाल इनके दिमाग में है, आप बदले हो तो आखिर क्यों, ये जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अभी आप एक दूसरे को फील भी करते हो, आपकी कभी कभी लग रहा है कि आप उनके विचार, इमोशंस को भी पकड़ रहे हो, ठीक है, कभी कभी आप एनर्जी पिक करो या मिरर कर रहे हो। कमिटमेंट को लेकर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है डियर, ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार को समझो, ये पर्सन कहना चाहते हैं मेरे प्यार को समझो, आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, शायद वो कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आता, ये कहना चाहते हैं मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आता, मैं दिल से चाहता हूं, मैं तुम्हें अंदर से रिगार्ड करता हूं, आपके पर्सन मेल या फीमेल हो, ठीक है, मेरे प्यार को समझो, हर पल तुम मेरे आसपास होते हो, दर्द में भी मैं खुश हूं, इसलिए दर्द में खुश हूं कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा पैम्पर वो हमेशा मुझे हील करता है या मुझे हील करती है, मैं, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मेरी हो, ये मुझे एहसास नहीं, मुझे विश्वास है, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि तुम मुझे समझो, ये कहना चाहते कि आप भी उनके लिए बहुत पैशनेट हो, उनको एहसास है, इमोशंस बहुत हाई इनके हो रहे हैं, माफी का एहसास उन्हें हो रहा है, पैशनेट बहुत फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अट्रैक्शन, पैशनेट, रोमांस, ये कुछ बहुत आपके पर्सन को है। कुछ लोग का कॉल मैसेज तो आया है डियर, ठीक है, दुआओं में आपको मांग रहे हैं आपके पर्सन डियर, दुआओं में मांग रहे हैं आपको, छुपाया भी नहीं आता, छुपाया भी नहीं जाता, मुझे तुमसे मुहाबत है, बताना भी नहीं आता। डियर गाना थोड़ा रॉन्ग हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना की एनर्जी फील हो रही है ना, छुपाया भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, शायद इसी तरह का गाना है। और ये कौन सी मूवी का है, बाजीगर, शायद शाहरुख जी, काजोल जी, शिल्पा शेट्टी जी। तो इस तरह की एनर्जी है, प्यार इतना है, मैं वीडियो बना रही हूं ना, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, जहां मतलब देखती हूँ ना कि जहां बहुत पैशनेट फीलिंग्स, ट्रू लव फील होता है, तो मैं, मुझे अच्छा फील होता है, लेकिन जो एनर्जी चेंज होती है ना, कभी कभी उस पर मुझे हंसी आती है कि देखो इस इंसान के बदलाव तो देखो, ये क्यों होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपके पावर, इस वजह से ये पर्सन के देखिए चेंजेस कितने आते हैं। तो आपके बदलते हुए मिजाज ने इनको तोड़ डाला है, आपके मेच्योरिटी ने इनको स्मार्ट बना डाला है, अब ये बहुत पैशनेट है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कहीं दूर ट्रेवल करना चाहते हैं। ये ट्रेवल की एनर्जी क्यों दिख रही है डिवाइन, वाह एंजल्स, उनको एहसास है कि आपको उन्होंने हर्ट किया है,
हो सकता है एक एक दूसरे में बहुत बहस भी हुआ है डियर, आप दोनों में बहुत सारे बहस भी कभी हुए, बहुत ज्यादा बहस हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए पेशेंट, आप उनकी थिंकिंग को समझते हो, लेकिन जब आपका पेशेंस, आपका धैर्य खो जाता है, तब आप कुछ बहस करते हो या गुस्सा करते हो उन पर। लेकिन इनको अब अच्छा फील हो रहा कि आप उन पर हक जताते हो, गुस्सा करते हो और बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो, लेकिन उन्होंने भी आपको मिस जज किया है, उनको एहसास हो रहा है। शायद अब आपको वो खो नहीं सकते, मतलब देखिए कैसे कैसे एनर्जी चेंज होती है, एकदम से छलांग मार रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोग से कांटेक्ट बात तो हो रही है, उनके लाइफ बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ लोग से बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अहमियत आपकी बढ़ रही है, माइंड ब्लोइंग। बहुत सवाल जब आपसे करने वाले हैं, बहुत दिल से याद कर रहा है ये पर्सन, जितना दिल से ये पर्सन याद कर रहा है भैया, उतना जल्दी एक्शन तो ले लो, एक्शन तो ले लो। देखिए किसी के लिए 1 घंटा 1 मिनट हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है डियर। किसी के लिए 6 है, किसी के लिए 7 है, ठीक है, किसी के लिए 8 है, किसी के लिए 9 है, किसी के लिए 10 भी है, ठीक है। ये नंबर्स खास हो सकते हैं, मिनट, घंटे, सेकेंड और दिन भी हो सकते हैं डियर, ठीक है। 10, 9, 8, 6, 9 और 7 भी है और 4 भी है डियर, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी, आप तो कार्ड को पहचान रहे हो, कार्ड से ही आपको एनर्जी मिल जा रही होगी, आपके पर्सन की एनर्जी कितना प्यार, कितना पैशनेट है, वो आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको दूर ले जाने के लिए डियर। ओवर थिंकिंग से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। धोखा, दुख, परेशानी इनको भी मिली है जो आपको उन्होंने दिया, ठीक है। फैमिली ने इनको हर्ट किया है, एक अकेलेपन, एक बेचैनी से ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और गलतियों, अपने गलतियों का एहसास है, उस पर काम करना चाहते हैं, पेशेंस रखते हुए, सोच समझकर आपके तरफ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सॉल्व ऑफर करना चाहते हैं आपको। हैवी एनर्जी थी वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, गलतियों पे भी हो सकता है ये माफी मांगे डियर, ये गलतियों का एहसास हो गया है, माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा डियर, ठीक है। तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन, मैंने समय बता दिया, ऑफर होने वाला है, एक्शन होने वाला है, मैंने आपको जो बताया है, 4 है 6 है 1 1 की एनर्जी, 8 9 6 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके पर्सन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और देखिए बहुत सारा प्यार करने की तमन्ना जाग उठी है, रोमांस, रोमांस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कॉल मैसेज कुछ लोग का आ रहा है, कुछ लोग का तो आ चुका है डियर, बस आप मैनिफेस्ट करते रहिए, सेल्फ हीलिंग करते रहिए, ये सब सेल्फ हीलिंग का कमाल है, ये मैजिक है, यूनिवर्स मदर गाया, अर्थ मदर, एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, कृष्ण गोविंद राधा रानी का मैजिक है। तो मैं आज की एनर्जी देखकर मुझे खुशी मिल रही है, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन है कि आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन ले रहे हैं आपके तरफ बढ़ने का, ऑफर करने का, गलतियों का एहसास हो चुका है, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, प्यार ही प्यार है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पे नजर है रे बाबा, तुझ पे नजर है, आप पर नजर भी है, किससे बात कर रहे हो, कहीं आपकी मोबाइल भी चेक कर सकते हैं, अचानक से मोबाइल ले सकते हैं, कंट्रोल लॉक रखिएगा, इसलिए कि मोबाइल को लॉक रखना है, या आपके मोबाइल को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अनब्लॉक भी कर सकते हैं, किसी के पार्टनर अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी तरह से आपसे हेल्प मांग सकते हैं, मेंटली, प्यार, सॉरी, किसी तरह से आपसे हेल्प ले सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, इमोशंस बहुत हाई आपके लिए, बहुत ज्यादा रोमांस, प्यार और प्लानिंग, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में डियर। तो उनका नेक्स्ट एक्शन है कि बहुत जल्द आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं और इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिएगा, गाइडेंस के साथ आपको एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है, गाइडेंस भी आपको फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, कहीं स्टक हो, परेशान हो, दुखी हो, तो वहां से निकलने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं और पर्सनल रीडिंग के चार्ज होते हैं, ओके। आप कहां से हो ये बता देना, इंडिया, अब्रॉड, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे डिटेल्स दे देना, ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के चार्ज